फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है चैनल पर एक बार फिर से। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से। फ्रेंड्स, अगर आप सभी लोगों ने फॉर्म को फिलअप कर दिया है, जो कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका होने वाला है 2024-25, बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम कब रहेगा, फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करेंगे। कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जिसके अकॉर्डिंग आपका जो सिलेक्शन है वो बहुत ही ईजी हो चुका है। तो चलिए, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, और टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप मुझे ज्वाइन ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आपकी इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन है जो कि जो 2024-25 के लिए रिलीज़ किया गया था। तो यहाँ पर कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस आपका रहेगा 2024 के लिए, जो कि ऑल गवर्नमेंट और प्राइवेट के लिए रहने वाला है, जो कि एफिलिएटेड हैं आपके ABBMU के थ्रू, जैसे SGPGI लखनऊ का कॉलेज है, KGMU है, ठीक है, और भी यहाँ पर लखनऊ के कॉलेज हैं, सैफई का है, मेरठ का है। तो ये इस तरीके के कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं या BSc नर्सिंग आप करना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली फ्रेंड्स आप इस फॉर्म को भर सकते हैं बेफिक्र होकर के। और अगर KGMU में अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो ये वीडियो कंप्लीट वॉच करें, कितने मार्क्स आपको लेकर के आने हैं, कोई भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना होगा, उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर समझ पाएंगे फ्रेंड्स कि आपके जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो कितने रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो को। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करना चाहूँगी फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है तो आप जल्दी से फॉर्म को फिलअप करवा दीजिए। 29 मई 2024 आपका यहाँ पर लास्ट डेट रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, उसके बाद आप यहाँ पर फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो इसको आपको ध्यान रखना है, 29 मई 2024 तक ही आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपका एडमिट कार्ड आपको 5 जून को देखने को मिल जाएगा और एंट्रेंस एग्जामिनेशन रहेगा फ्रेंड्स आपका 14 जून को, ठीक है। 14 जून को आपका यहाँ पर एंट्रेंस होने वाला है, तो आप सभी लोगों को अभी से ही तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर अभी तक आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की है फ्रेंड्स, तो देखिए आपको यहाँ पर कुछ प्रीवियस ईयर के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं उनकी हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड्स जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे उनमें से आपको काफ़ी हद तक 30% जो यहाँ पर मिल जाते हैं क्वेश्चंस, तो वो ही आपके कवर हो जाएंगे वहाँ से, ठीक है। तो PYQ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो PYQ क्वेश्चंस जरूर किया करें। प्रैक्टिस सेट आप ले सकते हैं, और भी जो भी आपके अकॉर्डिंग आपको सुटेबल लगता है तो आप ज्वाइन कर लीजिए कोचिंग, या फिर आप खुद से स्टडी कर रहे हैं तो खुद से स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं फ्रेंड्स आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड। आपकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करानी है, जिसमें आपको यहाँ पर देखिए कुछ बदलाव देखने को मिले हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए काफ़ी जो छात्र थे वो परेशान रहते थे फ्रेंड्स आपका यहाँ पर लैंग्वेज को लेकर के, कि आपकी यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो किस तरीके से रहेगी, बट इस बार आपका सॉल्यूशन हो चुका है। यानी कि आपने अगर यहाँ पर हिंदी मीडियम से हैं, ठीक है, यानी कि UP बोर्ड के जो छात्र हैं वो सिर्फ यहाँ पर हिंदी में सुटेबल होते हैं, और यहाँ पर CBSE बोर्ड के जो छात्र हैं यानी कि ICSE बोर्ड से हों या फिर किसी भी अदर बोर्ड से हो सकते हैं, तो वो यहाँ पर इंग्लिश में सुटेबल होते हैं, ठीक है। तो अपने कंफर्ट के हिसाब से आप यहाँ पर लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मोड ऑफ़ एग्जामिनेशन आपका MCQ जो आप देखने को मिलेंगे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही देखने को मिलेंगे, और काफ़ी जो क्वेश्चंस होते हैं फ्रेंड्स आप सभी लोगों के, कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो किस तरीके का रहने वाला है। तो पैटर्न की बात करें फ्रेंड्स, आपके MCQ यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ठीक है, और ऑफलाइन आपका एग्जामिनेशन होता है, ऑनलाइन आपका एग्जामिनेशन नहीं रहेगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। OMR शीट आपको आपके सेंटर पर ही प्रोवाइड की जाएगी, और ब्लैक वॉल पेन आपको सेंटर पर ही देखने को मिलेगा, वहीं पर ही आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आपको अदर्स अपने पास से कुछ भी लेके नहीं जाना है। तो यहाँ पर आपकी जो टाइमिंग रहेगी आपको सेंटर पर पहुँचने के लिए, वो यहाँ पर आपको मैं अभी थोड़ी देर में इन्फॉर्म करूँगी। उससे पहले आपको जानना है कि जो एग्ज़ाम की यहाँ पर टाइमिंग है वो 11 बजे से लेकर के 2:20 तक रहने वाली है, दोपहर के 2:20 तक आपकी जो टाइमिंग रहेगी, यानी कि 200 मिनट आपको यहाँ पर कंप्लीट मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको 1 मिनट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन पेपर है तो वो आपका यहाँ पर 200 नंबर का है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको देखने को क्या मिला कि 200 मिनट ही आपको देखने को मिले अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पर सवाल है कि यहाँ आपको एक आंसर को सही करने पर कितना नंबर मिलेगा और निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो अगर आप यहाँ पर एक क्वेश्चन को सही करते हैं तो आपको
वन मार्क मिलता है और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसको आपको ध्यान में रखते हुए आपकी चीज़ें समझ लेनी है। तो यहाँ पर आप बेफिक्र होकर अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई भी यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एक क्वेश्चन को सही करने का एक मार्क आपको मिलने वाला है। हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों ही यहाँ पर मीडियम में देखने को मिलेगा क्वेश्चन पेपर। और यहाँ पर जो सिलेबस है फ्रेंड्स, वो आपका इस तरीके से दे रखा है, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होता है बायोलॉजी के पोर्शन में, उसके बाद जो नर्सिंग एप्टीट्यूड आता है उस पर, देन उसके बाद आपको इंग्लिश और केमिस्ट्री, देन उसके बाद आपको फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स में भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, तो फिजिक्स को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। अब यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें फ्रेंड्स, तो ये आपको मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ, इसी के अकॉर्डिंग काफ़ी सारे वीडियोस हैं फ्रेंड्स चैनल पर, मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो उस पर जाकर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको कितने मार्क्स होने चाहिए कि आप यहाँ पर काउंसलिंग करा पाएंगे, और आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले कुछ चीज़ें समझनी होती हैं, जैसे सिक्योरिटी फ़ी आपकी कब तक आ गई है या फिर कब तक आ जाएगी। इन सभी डाउट को आपको क्लियर अभी से ही करके रखना है, तो सारी वीडियोस को आपको वॉच कर लेना है फ्रेंड्स। जितने भी अभी तक मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूँ, वो सारी वीडियोस आप वॉच किया करें, क्योंकि आप अगर वॉच नहीं करेंगे तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, और आपके मन में ये भी आ सकता है कि किसी ने बताया नहीं था। ठीक है, तो मैं सारी चीज़ें आपको बताती हूँ, तो आपको सारी चीज़ें समझ लेनी है। और फाइनली अब बात करते हैं अपने रिपोर्टिंग टाइम, किस टाइम पर आपको सेंटर पर पहुँचना है। तो सेंटर पर पहुँचने के लिए आपको जो टाइमिंग दी गई है फ्रेंड्स, आपकी ये दे रखी है 9 बजे से आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी। ठीक है, आपका एग्ज़ामिनेशन से 2 घंटे पहले आपको पहुंचना है, और यहाँ पर जो लास्ट टाइमिंग रहेगी फ्रेंड्स आपकी 10 बजे की रहेगी। नो एंट्री एट द एग्ज़ामिनेशन सेंटर विल बी अलाउड आफ्टर 10 AM। आपको एक यहाँ पर 10 बजे के बाद में कोई भी एंट्री नहीं मिलने वाली है, क्योंकि कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, बायोमेट्रिक्स हो सकती है आपकी। ठीक है, आपका कुछ एंट्री कुछ उनका अलग से कुछ होगा। ठीक है, तो ऐसा होता है, फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो कंप्लीट करनी होती है, तो उसके लिए यहाँ पर 1 आवर लग जाता है। तो आपको एंट्री कर लेनी है 9 बजे से ही। ठीक है, आपको 9 बजे से पहले ही सेंटर पर पहुँच जाना है, अपना एंट्री आपको करा लेनी है 9 बजे, और 10 बजे लास्ट है। इसके बाद आपका कोई भी एंट्री नहीं करा सकता किसी भी हालत में, तो आपको अपनी एंट्री टाइम से लेनी होगी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। तो आपका सिलेक्शन इस बार आई होप ज़रूर हो, और मेरी यही दुआ है कि आप सभी का सिलेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी ऐसे बच्चे हैं फ्रेंड्स जो लास्ट ईयर भी एग्ज़ाम दिए थे, उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो बच्चे भी इस बार फॉर्म भरे होंगे, ज़रूर भरे होंगे। तो उन बच्चों के लिए भी यहाँ पर थोड़ा सा मैं प्रे करूँगी कि उनका भी सिलेक्शन हो जाए और अच्छे मार्क्स आपके आए। तो कोशिश करें फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कम से कम 140 स्कोर करना है अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए है। अगर इससे कम आते हैं फ्रेंड्स तो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपको अच्छा कॉलेज गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, जिस भी कॉलेज में आप चाहते हैं एडमिशन ले सकते हैं, बस कोशिश करें कि 110 से आपको प्लस ही लेकर के आने हैं मार्क्स, तो आपको कॉलेज इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो कुछ यहाँ पर और भी अलग कंडीशंस होती हैं काउंसलिंग से रिलेटेड, जैसे कि आपकी जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग है, मॉप अप काउंसलिंग है, तो इसमें ऐसा होता है कि जो सीटों का फिलअप होता है वो यहाँ पर 70-80% तक हो जाता है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में, और यहाँ पर बची हुई सीटें हैं, ठीक है, 10-20% जो भी सीटें बची हुई होती हैं उनका सिलेक्शन होगा। और मॉपअप में देखिए बहुत ही एक रेयर केस में ऐसा होता है कि सीटें बचती हैं, और ज़्यादातर प्राइवेट में ही सीटें बचती हैं, गवर्नमेंट में किसी किसी कैटेगरी में 1-2 सीटें या 3-4 सीटें बचती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझते हुए अभी से ही चलना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो ज़रूर दूंगी फ्रेंड्स। तो आपको अभी क्या करना है, वीडियो जल्दी से लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, कोई जैसे ही अपडेट आता है तो आपके पास में वीडियो तुरंत नोटिफाई कर देगा आपका YouTube। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।